हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू नेहा'स फन कॉन्सेप्ट्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज वर्क क्वेश्चन आंसर्स फिलअप्स लॉन्ग डायरी एंट्री ऑफ द लेसन द फियरलेस फाइटर ऑफ माय इंग्लिश रीडर क्लास फिफ्थ डीएवी। सो काइंडली ओपन पेज नंबर 71 C4। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज टिक द करेक्ट आंसर। जानकी प्रैक्टिस्ड स्विमिंग 20 किलोमीटर्स एवरी डे इन। जानकी 20 किलोमीटर की स्विमिंग कहां पर करती थी, अरेबियन सी, इंग्लिश चैनल या इंडियन ओशन में? आंसर इज अरेबियन सी, अरब महासागर में। जानकी स्वैम इन द चैनल फॉर। जानकी इंग्लिश चैनल में कितनी देर के लिए तैरी थी, 4 आवर्स, 2.5 आवर्स, 1 आवर एंड हाफ। आंसर इज 2.5 आवर। नेक्स्ट, द चैनल ऑफिशियल्स वर शॉक टू सी जानकी बिकॉज शी वॉज। चैनल ऑफिशियल्स जो थे मेंबर ऑफ इंग्लिश चैनल एसोसिएशन, वो जानकी को देखकर हैरान क्यों हो गए थे, क्योंकि वो एक लड़की थी, गर्ल थी, एक इंडियन थी या फिर एक हैंडीकैप्ड गर्ल थी। हैंडीकैप्ड गर्ल की वजह से वो सारे शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो पोलियो से ग्रसित थी और उन्हें लगता था कि पोलियो के ग्रसित होने के बावजूद ये स्विमिंग कैसे कर पाएगी। वाइल स्विमिंग इन द चैनल जानकी फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, दे वर ड्यू टू। इंग्लिश चैनल में स्विमिंग करते हुए जानकी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कौन सी मुश्किलें थी वो? कोल्ड एंड सॉल्टी वाटर, ठंडा और नमकीन पानी, सीवीड्स एंड जेलीफिश, या वो शैवाल और जेलीफिश उसके जो बॉडी पे चिपक रहे थे, या फिर बोथ ऑफ द अबव। द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों चीजें ही उसे परेशान कर रही थी। कोल्ड एंड सॉल्टी वाटर जब भी उसके अंदर मुंह में जाता था, नमकीन पानी, तो उसे वॉमिट टाइप फील होती थी, और सीवीड्स और जेलीफिश उसकी बॉडी के साथ चिपकते जा रहे थे और उसे अनकंफर्टेबल कर रहे थे। C5, write T for true and F for false statements. जानकी was not allowed to make a solo attempt in the channel. जानकी को अकेले तैराकी करने के लिए इंग्लिश चैनल में नहीं भेजा गया, yes, true. जानकी's teammates were Indians. जानकी की रिले teammates Indians थे, नहीं, वो Americans थे. जानकी did not need much training to fulfill the conditions of the English Channel Swimming Association. उसको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, गलत, उसको तो बहुत ट्रेनिंग की जरूरत थी, जो वो कंप्लीट कर भी चुकी थी। जैसे 10 घंटे लगातार उसे ओशन में या समुन्द्र में रहना जरूरी था, इस तरह की जो दो कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसे हाई सी में लॉन्ग आवर्स के लिए विदाउट अ ब्रेक तैराकी करनी भी होनी चाहिए। द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश चैनल एसोसिएशन वर नॉट मच इम्प्रेस्ड विद जानकीज कॉन्फिडेंस। क्या वो इम्प्रेस नहीं हुए थे जानकी के कॉन्फिडेंस से? फॉल्स, दे वर इम्प्रेस्ड। तभी उन्होंने उसे परमिशन दी थी दैट यू कैन स्विम इन द इंग्लिश चैनल बट इन अ रिले टीम। जानकीज एम्बिशन वॉज टू स्विम अलोन इन द इंग्लिश चैनल। उसका असली जो मकसद था वो था अकेले ही जाना इंग्लिश चैनल में, यस, ट्रू। All the difficulties जानकी faced while swimming in the channel were forgotten as she swam to victory. जब उसे जीत हासिल हो गई थी तो जो भी उसने मुसीबतें फेस की थी वो सारी वो भूल गई थी, yes, true. ये चैप्टर में लाइन भी आई थी। जानकी believed in luck and did not want to work hard. This is false. हमेशा वो लक के हर सहारे नहीं बैठी रहती थी, वो आत्मनिर्भर थी, हार्ड वर्क करती थी और सेल्फ रिलायंट थी। ओके, नाउ C6, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। Only I am going to show you the question from here. The answer I will show you from the notebook. So don't panic कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे लिखा हुआ आंसर, सिर्फ क्वेश्चन को देखो। Whoever wishes to swim in the channel has to fulfill two conditions. Who is the speaker of these words? ये किसने बोला था कि चैनल में स्विम करने वाले को दो शर्तें पूरी करनी होंगी, इसका स्पीकर कौन है? आंसर इज द स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द स्विमिंग एसोसिएशन। क्वेश्चन बी, What are the two conditions? The two conditions were, she should be able to spend 10 hours continuously in water. Number 2, she should be able to swim in the high sea for long hours without a break. Although Janki had wanted to make a solo attempt, she could not do so. What does solo attempt mean? Solo attempt means to make an attempt all alone by oneself. Why was Janki not allowed to make a solo attempt? जानकी वॉज नॉट अलाउड टू मेक अ सोलो अटेम्प्ट बिकॉज द स्पेशल बोट टू अकंपनी हर फॉर हर सेफ्टी वॉज नॉट अवेलेबल। C7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वर द ऑफिशियल्स ऑफ द इंग्लिश चैनल एसोसिएशन शॉक्ड टू सी जानकी। द ऑफिशियल्स ऑफ इंग्लिश चैनल एसोसिएशन वर शॉक्ड टू सी जानकी बिकॉज शी वॉज अ फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल हु हैड कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड
to participate in an event where she needed all her strength. Question 2. What was wrong with Janki? How did it happen? Janki had been attacked by polio when she was 2 years old. As a result, her leg muscles had become so weak that she could not use her legs at all. Question 3. Why were all the officials impressed with Janki? The officials were impressed with Janki because she trained herself by swimming 20 kilometers upstream every day for 3 weeks in the Arabian Sea, and she could also swim for 10 hours continuously without a break. Question 4. In what way did July 28, 1992 create history? On July 28, 1992, the history was created by Janki, a polio-affected girl, when she swam for 2.5 hours in the English Channel and gave the world an outstanding example of courage and determination. Question 5. What were the difficulties that Janki faced while swimming across the channel? Most of her energy was taken up by the waves that kept moving her legs sideways. Channel water was very cold. The water was so salty that every time it entered her mouth and made her feel sick. The seaweeds and jellyfish kept sticking to her body and made her extremely uncomfortable. Now the long question or the diary entry. Suppose you are Janki, you have achieved success in swimming in the English Channel. Express your feelings in the form of a diary entry. Now for the diary entry, first of all we will make the box. Date, day, time. Today I feel very happy as I achieved my life's ambition to swim the English Channel. I had put in a lots of hard work for it being a polio patient, but I wanted to swim English Channel. I faced many difficulties while swimming the channel. All my energy was taken away by the waves. The channel water was very cold. Jellyfish and seaweeds kept sticking to my body. Still, I was determined and wanted to be successful. Now, I am more confident than ever before. I will continue to take part in more events. I am so happy that I could achieve what I dreamed of. Janki. Okay, kids. If anyone has any problem regarding any question or regarding the understanding of any line or understanding of any word, you can refer to the prior video, that is the part 1 of the Fearless Fighter. I have uploaded yesterday only, that is video number 247. Kindly refer to it. If you have any problem, then go to that video first and then do the exercise portion. Okay, now C10. कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें दो वर्ड्स इकट्ठे जुड़े हुए हों. जैसे देखो, whoever में who है और ever है. दो वर्ड्स इकट्ठे मिलके बन गया whoever. without, with है और out है. ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. अब ऐसे ही हमने चैप्टर में से, स्टोरी में से कंपाउंड वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं. 5 कंपाउंड वर्ड्स लिखने हैं. देखो, एवरी डे. आउट स्ट्रीम, आउट और स्ट्रीम. Teammates, team and mates. Hard work, hardened work. Seaweeds, sea and weeds. Okay, now C12. Now read the passage given below and fill in the blanks with the compound words given in the 8 box. Help box mein kuch words diye hue hain. Teamwork, hard work, playground, nobody, everyday, whoever, outstanding, without and everywhere. We have to fill the words in the paragraph. I am just reading. You can take the screenshot. Every day the children went for football practice. They had to reach the playground at 5 a.m. sharp. Nobody was allowed to miss the practice. Everywhere in the school notices had been put up saying that whoever was absent would have to play for 3 hours without a break. The boys put in a lot of hard work. The date of the match was nearing. In the match, the team's performance was outstanding. This was the result of the teamwork. Okay kids, so with this our chapter The Fearless Fighter is completed in all the senses. I hope you all have liked my video. Keep subscribing, keep sharing, keep liking, and if you have any doubt, write it in the comment box. Stay tuned, we will meet in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.